पाकिस्तान में शायद अब दिन कम पड़ जाता है इसलिए अब रात में ड्रामे करने पड़ते हैं। यस, पूरी रात भर इनका ड्रामा चला। पार्लियामेंट में स्पीकर आधी रात को 12 बजे के बाद इस्तीफा दे रहा है। पार्लियामेंट के बाहर लगी हुई इनकी कैदियों वाली वैन, और पार्लियामेंट में इमरान खान मौजूद ही नहीं है जिसके वोटिंग हो रही है। तो क्या ड्रामे चल रहे थे पाकिस्तान के रातों रात। तो उसी पे प्रशांत धवन सर की वीडियो आया है, इमरान खान फाइनली फॉल्स एडमिट, देश छोड़ने पे लग सकती है रोक। या देश छोड़ने पे, क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास रहा है, जिस जिसने करप्शन करा वो ब्रिटेन भाग जाता है, लंदन भाग जाता है। तो यहाँ भी इमरान खान कर सकते हैं। तो देखते हैं मैक्स में सब रिएक्शन। आपको मैक्स रिएक्शन देखने मजा आए तो वीडियो लाइक जो करना, चैनल को सब्सक्राइब जो करना, और जब वीडियो लिंक और रिएक्टर्स लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर मैं लोग वेलफेयर से हूँ प्रशांत धवन, ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी एक पॉलिटिशियन को कुर्सी से इतना चिपकते नहीं देखा जितना इमरान खान चिपके थे। इन्होंने पूरी कोशिश करी कि कैसे भी करके इनकी कुर्सी बच जाए, और इसके पीछे एक रीजन भी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पाकिस्तान में हुआ है रिसेंटली रात को, जो भी हुआ, ये भी रूमर उठे कि एक बार को इमरान खान ने कोशिश करी कि जनरल बाजवा को ये रिमूव कर दे, बाद में उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया इस बात का कि नहीं, बाजवा को कोशिश नहीं करी। मगर कल रात को जो भी हुआ है इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इमरान खान डेस्परेटली चाहते थे कि इनकी कुर्सी ना छिन जाए, मगर इन दी एंड इमरान खान फेल कर गए हैं। आज के समय ऑफिशियली इमरान खान पाकिस्तान के पीएम नहीं रहे। मंडे को मोस्ट प्रोबेबली शहबाज शरीफ को बना दिया जाएगा द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और इमरान खान ने देखिए दुनिया भर में बदनामी कमाई है, उसके अलावा इन्होंने नया रिकॉर्ड भी यहाँ पर सेट किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू हटाए गए। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर कैसे हुआ, पाकिस्तान का जो लोकसभा है यहाँ पर सिंपली इनके एमपीज को वोट कर रहा था कि इमरान खान के पास बहुमत है नहीं है। इमरान खान ने बड़ी कोशिश करी है टालने की कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में वोटिंग ना हो। जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए स्पीकर थे पाकिस्तान की लोकसभा में, इन्होंने पूरी कोशिश करी कि यहाँ पर वोटिंग ना हो। इन दी एंड हुआ पता क्या, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के बाहर ये वैन लगानी पड़ी, प्रिजनर वैन, कि अगर पाकिस्तान में ये लोग वोटिंग नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये लोग वोटिंग नहीं करवाएंगे, तो सीधा डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर को डाल दिया जाएगा जेल में। अंत में हुआ क्या कि दोनों स्पीकर्स ने रेजिग्नेशन दे दी रात के 12 बजे, और उसके बाद नए स्पीकर अपॉइंट हुए और फिर फाइनली वोटिंग हुई है। और इमरान खान देखिए पार्लियामेंट में आए ही नहीं। कुछ रिपोर्ट ये भी क्लेम कर रही थी कि इनको ऑल टुगेदर हाउस अरेस्ट में भी रखा गया, मगर इमरान खान की पार्टी ऑल टुगेदर पार्लियामेंट से गायब थी। ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हुई, इनके पास 174 वोट्स आ गए, और आराम से आज के समय इमरान खान की सरकार खत्म हो चुकी है। मगर इमरान खान ने कुर्सी छोड़ने से पहले तीन डिमांड्स भी रखी थी। वो तीन डिमांड्स क्या थी, एक इनकी डिमांड ये है कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, दूसरी इनकी डिमांड ये थी कि पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ नहीं बनेंगे, फिर तीसरी इनकी डिमांड ये थी कि इनको मिलनी चाहिए इम्यूनिटी अंडर द नेशनल रिकॉन्सिलेशन ऑर्डिनेंस NRO। बेसिकली इमरान खान को अब डर ये है कि इनके प्रतिद्वंदी पावर में आ चुके हैं, ये अब बदला निकालेंगे, इमरान खान की पार्टी के जो इनके मिनिस्टर्स हैं, इमरान खान खुद इनको जेल में डाल सकते हैं, इनके खिलाफ जो केसेस हैं करप्शन के, ये तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी के कई लोग हैं उनके घरों में छापे पड़े हैं, रेड्स हुई हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखिए इमरान खान को तकलीफ तो पहुंचाई जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ समय के लिए इमरान खान को जेल भी कर देंगे, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मगर यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा पाकिस्तान में अगले इलेक्शन कब है, 2023, तो अभी जो ये गठबंधन की सरकार बन गई है पाकिस्तान में, ये मैक्सिमम कितने समय तक पावर में रहेंगे, एक साल के आसपास, तो इन लोगों ने इतना एफर्ट यहाँ पर क्यों डाला, एक साल तक ये पावर में रहना क्यों चाहते हैं। देखिए मेन इश्यू यहाँ पर ये नहीं है कि एक साल तक कौन पीएम बनेगा, मेन इशू यहाँ पर यह था कि 2023 में जो पाकिस्तान में चुनाव होने हैं उसके रूल्स कौन तय करेगा, क्योंकि अब देखिए जो नई सरकार बनी है पाकिस्तान में जहाँ पे शहबाज शरीफ पीएम होंगे, ये फोकस करने वाले हैं प्राइमरली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर, मतलब कि 2023 के चुनाव में जो मेन लॉज हैं इनको कैसे चेंज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए इमरान खान ने ये कोशिश करी कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो अपने आप में बहुत ही बड़ी आबादी है, करीब 90 लाख के आसपास ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान के इलेक्शन में वोट कर पाए। इसका रीजन ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वहां पे आप अगर देखो तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। उसके अलावा इमरान खान का एक सपना ये था
कि पाकिस्तान में जो अगले इलेक्शन होंगे यहाँ पर ईवीएम का यूज किया जाए। ईवीएम का मतलब आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत में जब चुनाव होते हैं तब हम ईवीएम का यूज ही करते हैं ना। तो इमरान खान का यहाँ पर यह सपना था कि पाकिस्तान में भी इतिहास में पहली बार ये लोग ईवीएम से वोटिंग करवाएंगे। इमरान खान को उम्मीद ये थी कि जिस तरीके से इंडिया में फिर इलेक्शन होते हैं, इंडिया में आप अगर देखो तो और किसी चीज को लेकर भारत में क्रिटिसिज्म हो या ना हो अलग बात है, मगर हर देश ये कहता है कि इंडिया में इलेक्शन बहुत ही फेयर तरीके से होते हैं। तो इमरान खान का सपना ये था कि जिस तरीके से इंडिया में ईवीएम को हम लोग यूज करते हैं, ये लोग पाकिस्तान में भी ईवीएम को यूज करें। सबको दूर करने के लिए हल ईवीएम मशीन का था, यानी जो जो गलतियां हुई थी अगर आपने वो दुरानी नहीं है तो वो ईवीएम मशीन है। मसलन ये फॉर्म 14, 15 ये सब उड़ जाती है अगर आपके पास ईवीएम मशीन आ जाए। फिर ये जो डबल स्टैंप लगा के रिजेक्टेड वोट्स है, आपकी जब ईवीएम मशीन आएगी वो रिजेक्टेड वोट ही खत्म हो जाएगी। तो ये तरीके हैं धांधली के, इसलिए ये ईवीएम मशीन को नहीं आना चाहते। दुनिया में है, हिंदुस्तान में ईवीएम मशीन पे इलेक्शन होता है, तो यहाँ क्यों रुका हुआ है और क्यों इन्होंने ऑब्जेक्ट किया उसके ऊपर जो हमने अब कानून पास किया। और दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी, इनको सबसे बड़ा खर्चा ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानी तकरीबन ज्यादातर 90% तहरीक इंसाफ के साथ ये बात ठीक है, तो इसके लिए भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी की किसी तरह वोट ना डाली जाए। तो जो ये दो मुद्दे हैं इस पर आप देखेंगे कि जो नई सरकार बन गई है ये काम करना स्टार्ट कर देगी। पहली बात तो ये लोग ये इंश्योर करेंगे कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पास ज्यादा वोटिंग पावर ना आ जाए। इमरान खान ने बड़ी कोशिश करी कि उनके पास बड़ा इजी एक्सेस हो वोटिंग करने का, तो उनका जो इजी एक्सेस है उसमें काफी बदलाव ये लोग कर देंगे, काफी रूल्स लगा देंगे जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं ये आराम से वोट ना कर पाए। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था जो ईवीएम को लेकर इशू है, शहबाज शरीफ और जो इनका गठबंधन है ये ईवीएम को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। ये लोग मानते हैं कि ईवीएम अगर आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर आ गई तो इससे इमरान खान को एडवांटेज मिल जाएगा, तो ईवीएम का भी अब चांसेस बहुत ज्यादा कम लगते हैं। रीजन ऑफकोर्स यहाँ पर ये दिए जाएंगे, और अगेन मैं यहाँ पर ये भी क्लेम नहीं करूंगा कि मैं जी पाकिस्तान को ग्रास रूट में सब कुछ अच्छे से समझता हूँ, मैं बिल्कुल एक हाई लेवल का एक्सपर्ट हूँ इस मामले में। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि ईवीएम मशीन जब आप यूज करते हो तो आपको उसकी फंडिंग बनानी होती है। पाकिस्तान की सरकार के पास वैसे भी पैसे है नहीं, तो ईवीएम मशीन अगर ये लोग लाते हैं वो भी बहुत ज़रा खराब क्वालिटी की, तो उससे भी पाकिस्तान के इलेक्शंस नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मगर अब बेसिकली होगा क्या कि 2023 के चुनावों के लिए जो अब नई सरकार बन चुकी है पाकिस्तान में, ये लोग अपने हिसाब से रूल बनाएंगे। बेसिकली आप कह लीजिए अंपायर कौन होंगे ये लोग अब तय करेंगे, और इससे ओवरऑल नुकसान देखिए इमरान खान को ही होगा। 2023 में इमरान खान के वापस आने के चांसेस मैं कहूंगा काफी हद तक कम कर दिए जाएंगे, एक बार पाकिस्तान में इलेक्शन को लेकर जो रूल्स हैं उसमें बड़े बदलाव अगर आ गए। तो अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन यही पूछेंगे कि जो इमरान खान के साथ हुआ है कि ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठा हो गई और इन्होंने तख्ता पलट कर दिया लिटरली, क्या ये इंडिया में हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि देखिए इंडिया में सरकार चलाने के लिए जो बहुमत का नंबर है वो है 272। बीजेपी के पास आप अगर देखो तो 301 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, फिर इनके जो गठबंधन है वो सबकी सीट से आप अगर ऐड कर लो तो टोटल इनका बन जाता है नंबर 335 का। तो इंडिया में देखिए 2024 तक बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो पाकिस्तान में हुआ था इंडिया में 2024 तक तो एटलीस्ट नहीं हो सकता। अब वैसे आप अगर बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव की, तो एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि शहबाज शरीफ जो पीएम बने पाकिस्तान के, ये हमेशा से आप अगर देखो तो इंडिया के साथ ट्रेड करने को लेकर काफी पॉजिटिव रहे हैं। मैंने हमेशा देखा है, चाहे 2014 का टाइम देख लो, 2013 का टाइम देख लो, जब शहबाज शरीफ ने ओपनली कह दिया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ब्लॉक कर रही है इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड। उसके अलावा 2013 में जब ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने ये कहा था कि देखिए इंडिया पाकिस्तान के इश्यूज अगर आपको रिजॉल्व करवाने हैं तो ट्रेड बहुत ही बड़े स्केल पर बढ़ा दो, जब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होगा तब अपने आप ठंडे दिमाग से लीडर बैठेंगे और एक सोल्यूशन यहाँ पर निकल जाएगा। तो पर्सनली मेरा ये मानना है कि देखिए अगर अभी तो खैर इमरान खान बाहर हो गए, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रूल्स चेंज कर दिए जाते हैं ऑल टुगेदर, इमरान खान 2023 का चुनाव हार जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के लिए ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात हो सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, अगर मिराकुलसली इमरान खान वापस पावर में आते हैं तो उस केस में ऑब्वियसली पाकिस्तान के रिलेशंस यूएस के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ काफी खराब रहेंगे, इंडिया के साथ भी खराब रहेंगे। वो एक ऐसा पाकिस्तान होगा जो कम्प्लीटली वन साइडेड डिपेंडेंट होगा चाइना पर, और इनके रिलेशंस बाकी बहुत सारी कंट्रीज के साथ खराब ही रहने वाले हैं। तो देखते हैं इवेंचुअली यहाँ पर होगा क्या, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग।
पाकिस्तान में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन कितने टाइम के लिए, क्योंकि अगले साल फिर चुनाव होने हैं, वहां पे उनके वोटिंग होनी है, ईवीएम से होगी नहीं होगी ये तो भी डिसाइड होगा, क्या रूल्स रखे जाएंगे। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि कुछ ही टाइम के लिए सत्ता में आया और अगली बार कौन रहेगा। इमरान खान को तो मुझे नहीं लगता कैंडिडेट बनाया भी जाएगा अगली बार प्राइम मिनिस्टर का, क्योंकि उनकी इमेज खराब हो चुकी है दुनिया के। छोड़ आप रिएक्टर्स के, हम इतने रोज वीडियो देखते हैं पाकिस्तान के रिएक्टर्स की, वो खुद ही इमरान खान को, मैंने तो सुना नहीं किसी ने एक ने भी कभी अच्छा कहा इमरान खान के बारे में। तो यहीं से देख सकते हैं कि इमरान खान टोटली फेल है, हर चीज़ में फेल थे और उनका एक वोट भी नहीं है पाकिस्तान में, तो उनकी जगह दूसरी जगह आनी पड़ेगी। ये थी आज की मिक्स मैच सेलेक्शन वीडियो, आपको मिक्स सेलेक्शन देखने मजा आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।